वेलकम बैक। श्रीशांत ने कहा है कि वो जल्द ही 150 किलोमीटर पर आर का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। बस एक ही कंफ्यूजन है, आई हैव नो आइडिया की बात उन्होंने अपनी बॉलिंग को लेकर कही है या ब्रेक डांस को लेकर। श्रीशांत का कहना है कि वो इस रिकॉर्ड पर बहुत दिनों से ध्यान दे रहे हैं एंड नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यस, मैटर ऑफ टाइम ही है। यू नो, अगर एक सेकंड को हम लोग आधा सेकंड मान ले तो वो ये रिकॉर्ड पक्का तोड़ देंगे। एंड इफ यू आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लास्ट जोक देन यू विल नेवर बी एबल टू पुल ऑफ अ टेलीकॉम स्कैम इन योर लाइफ। जाओ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ो और बड़े होकर स्कैम करो, इडियट्स भागो। बाकी लोग चलते हैं अब सविता भाभी के पास कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनने। आइए आइए। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। अरे ये क्या सविता, तुम भी हंगर स्ट्राइक कर रही हो? हाँ सुमित, मैं भी हंगर स्ट्राइक कर रही हूँ, ये देखो। क्या तुम भी ब्लैक मनी के खिलाफ हो? नहीं नहीं, मैं ब्लैक मनी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बेचारे काले लोग अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? वैसे भी अफ्रीकन कंट्रीज आर वेरी पुअर, लेट देयर बी ब्लैक मनी। पता नहीं बाबा रामदेव को काले लोगों से इतनी नफरत क्यों है? नहीं नहीं सविता, तुम गलत समझ रही हो। ब्लैक मनी वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है सुमित, तुम नहीं समझ रहे हो। मुझे अफ्रीकन्स बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि उनके पास पैसे हो, बहुत सारे पैसे हो। देखो ना, बेचारे कितने गरीब हैं। वेरी पुअर, वेरी पुअर। हमारे देश के ब्लैक मनी का क्या? वो मुझे नहीं पता, मैं तो स्ट्राइक किसी और वजह से कर रही हूँ। क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से मुझे बाबा रामदेव बहुत सेक्सी लगने लगे हैं। देखो ना, वो अपना पेट कितने सेक्सी तरीके से घुमाते हैं, एकदम अंदर बाहर। लेकिन इसके लिए हंगर स्ट्राइक क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ जो शरीर पर कमरे जैसा कमर रखते हैं और दिमाग में पतली कमर, सेक्सी कमर की चाहत रखते हैं, पर खाने से दूर नहीं रह पाते। मैं ये हंगर स्ट्राइक इंडिया के मोटे लोगों को सेक्सी बनाने के लिए कर रही हूँ। पता है, मोटे लोग समाज में विष के समान होते हैं। यू शुड नो दिस। तुम बहुत लेफ्टिस्ट साउंड कर रही हो सविता। नहीं नहीं, I'm always right. क्या है कि मोटे लोग पतले लोगों से जलते हैं और हर जगह समाज में पतले लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। I can't see that. तो क्या पतले लोग मोटे लोगों से नहीं जल सकते? ऑफ कोर्स सुमित, मोटे लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे देखकर पतले लोग जलने लगे, समझे? लेकिन मुझे कमर पे थोड़ा फैट अच्छा लगता है, यू नो। Like to hold things, सविता, और थोड़ा सब पेट एक सुखी इंसान की निशानी होती है। मैं नहीं मानती। Even विजय माल्या likes thin girls. अरे पर वो खुद तो मोटा है ना? ओफो सुमित, तुम तो मुझे एकदम कंफ्यूज कर रहे हो। छोड़ो ना, जाने दो। मुझे तो आजकल बाबा की कमर सेक्सी लगने लगी है और देश की बाकी जनता को भी सेक्सी लगने लगे हैं बाबा रामदेव। लेकिन वो हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। देखो, बाबा ने कब का हंगर स्ट्राइक तोड़ भी दिया। तोड़ दिया? तोड़ दिया? अरे मैं भी तो बाकी सब की तरह हंगर स्ट्राइक का नाटक कर रही थी। यू नो, हंगर स्ट्राइक हैज बिकम द इन थिंग इन आवर कंट्री। और हमेशा की तरह आज मैं आसानी से कोई भी सेक्सी सॉल्यूशन देना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि हंगर स्ट्राइक से कोई ब्लैक ब्लैक मनी वापस नहीं आता। बस एक ही चीज हो सकती है और वो है आप कुछ दिन
बिल्कुल भूखे रहें और भूखे रहकर अपने कमर का साइज घटा सकते हैं। बिल्कुल सविता, तुमने आज देश के लोगों को बता दिया कि हंगर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। यस हाँ, बताया ना, हंगर स्ट्राइक करो। मैं ये नहीं कहती मत करो, बेशक करो। अगर आपको मेरी तरह बाबा की कमर सेक्सी लगती है और आप वैसे ही कमर पाना चाहते हो, वैसे ही कमर की कामना करते हो, तो फिर आपको हंगर स्ट्राइक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और सबको अपना अपना फैट बर्न करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन बात बात पर हंगर स्ट्राइक मत करो, क्योंकि ये आपके देश और सेहत दोनों के लिए खराब है, खतरनाक भी है। वाह वाह सविता, क्या बात है, क्या बात कही तुमने। मैं तो कहता हूं तुम्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं अगला चुनाव लड़ूंगी और जरूर लड़ूंगी सुमित, और मेरी पार्टी का नाम होगा SBSP, सेक्सी भाभी सविता पार्टी, और ये हर मामले में BSP की ऑपोजिट होगी। हम भी स्टैचूज बनवाएंगे हर महीने पर ऑल न्यूज। अब मेरा हंगर स्ट्राइक तोड़ने का वक्त हो गया है और मैं अपना पहला पोस्ट हंगर स्ट्राइक जूस के साथ करूंगी, तुम्हारे हाथों से लूंगी। सुमित तुम आओ ना। मैं आऊंगा तुम्हें वोट देने सविते। हाँ, और मैं भी तुम्हारे उंगलियों पे निशान छोड़ दूंगी। रियल डेमोक्रेसी बैलेट में है, भूख हड़ताल में नहीं, समझे? सुन लिया तुम लोगों ने सविता का प्रवचन। हड़ताल छोड़ो, तालमेल बढ़ाओ, और ब्रेक के बाद एक मुलाकात इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर से।